दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर फरीदा खानम ड्यू टू मिस बिहेवियर बाई समी टेंट टू फील ह्यूमिलियटेड एंड इंसल्टेड दिस इज अ वेरी कॉमन अकरेंस हाउ कैन वी मैनेज दिस नेगेटिव सिचुएशन एंड सेव आवर सेल्व फ्रॉम नेगेटिव रिएक्शन हाँ ये बहुत ही आम बात है और याद रखिए इसमें हर आदमी पड़ा हुआ आम आदमी भी और टॉप का आदमी भी आम आदमी को आप सलाम किए गुजर जाए समझा कि मुझे हेमिलेट किया आम आदमी को आप कुछ बात ना करें का दें उसके मुझे हेमिलेट किया इसने यानी हर मौके पर आदमी का एहसास होता रहता है क्योंकि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक्सपेक्ट आदमी हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन में रहता है अपने बारे में ओवर एक्सपेक्टेशन में तो जितना चाहता है कि मुझे अटेंड अटेंड किया जाए उतना आप अटेंड नहीं कर पाते ये सारे इंसान इसी में है ओवर एक्सप्रेशन में रहते हैं वो तो जितना वो चाहते हैं किया जाए उतना आप नहीं कर पाते तो बस फौरन आ जाता है उसके अंदर नेगेटिव थाट और ये बात आम है बिल्कुल मैंने पढ़ा एक, एक, एक बार इंदिरा गांधी के बारे में जब कि प्राइम मिनिस्टर थी वो प्राइम मिनिस्टर तो बाहर का कोई टॉप का आदमी आया हुआ था कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वग़ैरह तो इंदिरा गांधी ने उसको डिनर दिया था अपने उसमें तो जो आदमी खाना सर्व कर रहा था उसने पहले बाहर वाले की प्लेट में डाल दिया खाना इंदिरा गांधी गु़स्सा हो गया वहीं उसने उसने फील किया हेमलिएशन उसने कहा कि जो जो कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर उसका पहले सर्व करना चाहिए तो उसको सर्व कर दिया पहले <laughs> बोल पड़ी वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कहीं आपको ह्यूमिलेशन फील करता है तो उसको पहले तुमने तो सर्व कर दिया मुझे पहले सर्व करना चाहिए था तो ह्यूमिलिएशन जो है बहुत स्टेट ऑफ माइंड है ऐसा नहीं कि रियल में कोई ह्यूमिलिएशन किसी को करता है आज आपके एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा रहती है चाहे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम आदमी हो हमेशा आप जीते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन में तो दूसरा आदमी जो करता है वो कम कुछ न कुछ कम रहता है उससे कुछ न कुछ कम रहता है तो आप फिर मुझे हिविलियट क्या है तो इसका राज क्या है इसका हदीस बताता है कि किसी उम्मीद ही मत रखो तुमको शिकायत भी नहीं होगी किसी उम्मीद ही मत रखो जो कर, कर दिया किसी ने समझो कि उसकी उसका एहसान है नहीं किया तो, तो उम्मीद उम्मीद ही मत रखो उसको तो जब आप किसी से उम्मीद न रखेंगे तो हर हाल में आप खुश रहेंगे नहीं किया तो तो आप खुद समझ थे कि उससे मुझे उम्मीद नहीं थी कोई और कर दिया तो उसने बड़ी बादशाह किया उसने एहसान किया उसने मेरे साथ तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही कॉमन फिनमुना है कि आप समझ यह समझना कि मुझको हेमिलेट किया गया है लेकिन उसका उसको मैनेज करने का तरीका यही है कि आप किसी से कोई उम्मीद ही ना रखें सिवा खुदा के नर्जोरहम तक रक्ष आज़ाब तो खुदा से ही उम्मीद रखी बस इंसान से उम्मीद ना रखिए जैसा कि साबा का तरीका था बस और इसका कोई हल नहीं है क्योंकि हमेशा दूसरे की तरफ से उससे कम किया जाएगा जिसके आप उम्मीद रखी हुई है चाहे प्राइम मिनिस्टर हों तब भी कम किया जाएगा तो उम्मी, उम्मीद ही न रखिए और सारा मामला अपने आप मैनेज हो जाएगा